मैं हूँ आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। लेकिन आज तो मैं सिरसा में नहीं हूँ, आज मैं हूँ राजस्थान जोधपुर। और जोधपुर का एक आपको बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना आज मैं मंदिर दिखाने वाली हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन पंडित जी, जैसे कि उन्होंने हमें बताया www.com पे गणेश जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये गणेश जी का इतना पुराना टेंपल है, जो ये प्रतिमा है वो इनके अनुसार इन्होंने बताया जोधपुर बसने से भी पहले वो ज़मीन से अपने आप निकली हुई प्रतिमा है। और वो जो प्रतिमा है वो अपने आप में इकलौती है, अनोखी है, जो सिर्फ और सिर्फ जोधपुर में है। पूरे वर्ल्ड में इनके साथ की कोई और प्रतिमा नहीं है। तो आइए हम पहले पंडित जी से मिलवाते हैं दर्शनों से पहले। पंडित जी बताएंगे आपको, पंडित जी बताइए मूर्ति में क्या खासियत है? तो सबसे बड़ी एक खासियत है, जो भी यहाँ आता है भगत और दर्शन, मन में जो भाव करके आता है उसका काम संपूर्ण। किस तरह के काम के लिए लोग यहाँ आते हैं? जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, किसी के शादी नहीं हुई थी, किसी के पास पैसे नहीं थे, तो यहाँ आके गणेश जी से विनती की थी उनसे कि भगवान गणेश जी से हमारी प्रार्थना है कि मेरी बच्ची है, मेरे पास कुछ भी नहीं, अगर भगवान ये हमारी कर देगा तो मैं पूरा परिवार लेकर जिंदगी पर कर गया। और कोई बात सत्य हुई गणेश जी को, उसमें किसी भी अपने साथ उसके जाके मतलब उसका काम संपूर्ण। पंडित जी के अनुसार जो भी काम जिस भी भक्त के पूरे नहीं होते वो यहाँ आके पूरे होते हैं, क्योंकि ये विघ्न हटता है, संकट मोचन है, ये बिल्कुल सभी के विघ्नों को हटने वाले हैं। पंडित जी ने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे जब बात की तो उन्होंने बोला गणेश जी खुद शादीशुदा हैं, रिद्धि सिद्धि के पति हैं, पूरे परिवार के साथ है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग जो भोग लगाने आते हैं वो परिवार के लिए आते हैं, और जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं होती वो यहाँ आके अगर मत्था देखते हैं तो उनकी शादियाँ भी हो जाती है। हर साल बच्चे यहाँ पढ़े करके और अमेरिका बाहर इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, यहाँ जोधपुर के रहने वाले हैं, और हर साल डॉक्टर इंजीनियर सॉफ्टवेयर सब बनते हैं। और गणपति की कृपा से आज भी अमेरिका में खूब डॉक्टर इंजीनियर सॉफ्टवेयर है, अपने जोधपुर के हर जोधपुर के और दर्शन से दर्शनों का लाभ आप भी उठाएं। अब मैं आप लोगों को दर्शन के लिए पहले मैं दिखाती हूँ, ये मंदिर इतनी ऊंचाई पे है, यहाँ से पूरा जोधपुर का व्यू भी नजर आएगा आपको। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ के विंडो से देखिएगा आप जोधपुर का पूरा व्यू। काफ़ी ज़्यादा व्यू है और ये पहाड़ी के ऊपर है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पहाड़ी तक, मंदिर तक पूरा आप अपनी गाड़ी को लेके आ सकते हैं। और ये आपको गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन हम करवा रहे हैं। ये बिल्कुल सिल्वर टच में प्रतिमा बनी हुई है, और एक मूर्ति जो यहाँ आगे रखी हुई है पूरे साज, गणेश जी छोटे हैं, जो गणेश जी हैं ये आगे प्रतिमा जो रखी हुई है, आप सब इनके दर्शन कर सकते हैं। और गणेश जी जाओ वहाँ इनका चूहा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम अब इनके चूहे के भी दर्शन आपको करा देते हैं। ये हैं नटखट से इनकी सवारी, इनका चूहा। ये बहुत बड़े बने हुए हैं, ग्लास के इस फ्रेम के अंदर, इस शोकेश के अंदर बने हुए हैं। इन्होंने भी अच्छे से पिंक कलर के कपड़े डाले हुए हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे। तो मुझे लगता है कि आप सब भी इनके दर्शनों का लाभ उठाएं। गणपति बप्पा मौर्या, मौर्या।